हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आप लोगों को हीटर के बारे में बताने वाले हैं। हमारे पास जो ये तीन हीटर आप जो वीडियो में देख रहे हैं, इस तीन हीटर के डिटेल्स में आज आपको बताने वाला है। एक श्रीमिका का है, एक जो पेपर का है और एक बेल्ट हीटर है। ये तीन हीटर के बारे में आज हम आपको डिटेल्स बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और बेल आइकन को, घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कभी भी लाइव आऊं तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके इन तीन हीटर के बारे में बताते हैं कि कौन सा हीटर आपके लिए किस मशीन में लगा सकते हैं और कौन सा अभी लेटेस्ट में नया और अच्छा चल रहा है, उसके बारे में भी आपको बताते। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं हीटर, ये हम बता रहे हैं आपको पेपर के। ये जो पेपर है और एक श्रीमिका का है, ये पेपर वाला है जो अभी हाथ में मैं लिए हैं, ये पेपर का है। इसका ये नॉर्मल हीटर है जो कि आपको 200 रुपये में, लगभग 200 के आसपास में ये हीटर मिल जाता है। कहीं पे भी आपको ये पेपर का है, ये भी बहुत सारा डाई में लगाकर ऐसे चलाते हैं, बहुत ही अच्छा चलता है। और ये दूसरा जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये अभी नया में लेटेस्ट में आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका भी फ्यूचर और इसको लास्टिंग बहुत अच्छा चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, क्योंकि ये इस जो हीटर है, ये क्या होता है कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो इस हीटर को रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो वायर देख रहे हैं, वो अगर आपको कभी कभी हीटिंग ख़राब हो गया तो उसको वायर को रिपेयरिंग करा कर फिर से इस हीटर को यूज कर सकते हैं। इसमें दो आगे के तरफ देख रहे हैं, वो आपको वायर भी लगाने का, स्क्रू से आप टाइट करके आप अपने बोर्ड से हीटर को जोड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा हीटर है। इसका प्राइस लगभग आपको 1200 से 1300 रुपया, कहीं कहीं आपको 1150 रुपये में भी आपको ऐसा हीटर मिल जाएगा। तो ये हीटर अभी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में चल रहा है, इसका हीटिंग भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इस एक बार इसे लगा लिए तो फिर आप ये पेपर का हीटर और बेल्ट का हीटर लगाना भूल जाइएगा, क्योंकि बहुत ही हेवी और हेवी क्वालिटी में है। ये तो टिन का हीटर है जो कि बेल्ट का है। आप देख रहे हैं कि आप इसे बैरिंग के डाइयों में ज़्यादातर आपको ये लगाया जाता है, और बैरिंग के डाई के लिए ही ये हीटर बना हुआ रहता है। इसमें आपको भी दो स्क्रू का बोल्ट लगाया रहता है, जिससे आप इसे केवल, ये ऐसा हीटर है ये केवल बैरिंग के डाई में लगा सकते हैं। लेकिन आप जो दो और हीटर आपको पहले देखा है, एक पेपर का और एक श्रीमिका का, स्क्वायर साइड में है जो चार कोने का है, वो आप ब्लेड के डाई में भी लगा सकते हैं और बैरिंग के भी डाई में लगा सकते हैं। बैरिंग के डाई में आपको ऊपर के भी लगा सकते हैं, जो ये चार कोने का हीटर है, ये श्रीमिका का, ये आप ऊपर में भी लगा सकते हैं और नीचे में भी आप लगा सकते हैं। ये ऐसा हीटर है जो कि आपको दोनों में, ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे में भी लगा सकते हैं। तो ये अभी नया मार्केट में चल रहा है, और इससे अगर आप एक बार लगा लीजिएगा तो आप कभी भी आप पेपर का और बेल्ट का हीटर लगाने के लिए भूल जाइएगा, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा मार्केट में पकड़ चल रहा है। अगर अभी एक बार ऐसा हीटर लगाकर यूज करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको एक बार हीटिंग मालूम पड़ता कि बेल्ट का हीटर और पेपर का हीटर में क्या अंतर है। तो अगर आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को, घंटे को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।